हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑलिव पोड। आई एम पूजा और मंथली कंपाइलेशन का आज हम नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले इंपॉर्टेंट डेज अप्रैल मंथ के और इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, बुक्स, अवार्ड, ऑबिचुरीज ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और आज के वीडियो में हम स्टेट न्यूज़ एंड इंटरनेशनल न्यूज़ को कवर करेंगे अप्रैल मंथ की। ठीक है डन। तो आज का टॉपिक आपका डिस्कशन का क्लियर हो चुका है। इसके अलावा एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है अबाउट द न्यू सीरीज़। यहाँ पर मैंने दो नई सीरीज स्टार्ट की हैं और ये जो सीरीज़ है ये आपके फेज़ वन एग्जामिनेशन, फेज़ टू एग्जामिनेशन और इंटरव्यू, तीनों के लिए ये आपको यूज़फुल देखने को मिल जाएगी। क्या है ये सीरीज़? तो पहली सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है 30 in 30, मतलब 30 क्वेश्चन आपको 30 मिनट्स में सॉल्व करने और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। एंड सेकेंड सीरीज़ है डिपार्टमेंट या फिर मिनिस्ट्री वाइज मैंने गवर्नमेंट स्कीम्स स्टार्ट की हैं और पहली जो मिनिस्ट्री मैंने फिनिश कर दी है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। तो ये दो अलग आपको प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएंगी जो आपके आने वाले एग्जाम में डेफिनेटली आपकी मदद करने वाली है। ठीक है, इनकी पीडीएफ कहां पर मिलेगी? तो पीडीएफ के लिए आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, सिंपली सर्च कीजिएगा करंट अफेयर्स विद पूजा मैम, तो आप इजीली इन पीडीएफ को डाउनलोड करके नोट बना सकते हैं। तो आइए बात करेंगे पहला सेगमेंट विच इज स्टेट न्यूज। अप्रैल मंथ में कौन कौन से स्टेट न्यूज में थे हम उनको देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे लद्दाख से। ठीक है, टॉप टू बॉटम हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नंबर पर है लद्दाख। तो लद्दाख में एक रोड का कंस्ट्रक्शन कर रहा है बीआरओ जिसका नाम है नीमू दारचा पद्म आपका रोड। ठीक है, तो नीमू पद्म दारचा रोड जो कि लद्दाख में है, आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को कनेक्ट कर रहा है। ये लगभग 298 किलोमीटर की आपको रोड देखने को मिलेगी और इसका कंस्ट्रक्शन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन मतलब बीआरओ कर रहा है। कुछ दिन मैंने आपको बीआरओ के बारे में एक इन्फॉर्मेशन दी थी कि बीआरओ का फॉर्मेशन 7 मई को हुआ था इन 1960। दैट्स व्हाई यहाँ पर हम 7 ऑफ मई को हम क्या करते हैं, राइजिंग डे सेलिब्रेट करते हैं बीआरओ का। और इस साल हमने 65th नंबर का राइजिंग डे सेलिब्रेट किया है। बीआरओ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर काम करता है और इसके डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन आपको देखने को मिल जाएंगे। अब ये जो रोड बन रही है, इस रोड में आपको ये कारगिल ले हाईवे है बेसिकली, और इस रोड में आपको एक टनल देखने को मिलेगी और उस टनल का नाम क्या है, उस टनल का नाम है सिनकुल्ला पास या सिनकुल्ला टनल। और ये टनल लगभग 16,500 फीट की हाइट पर है। जब इसका कंस्ट्रक्शन बीआरओ कंप्लीट कर देगा तो ये वन ऑफ द हाईएस्ट टनल आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो अभी ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है बीआरओ के द्वारा, डन। चलिए अब यहाँ पर लद्दाख से एक और न्यूज आती है अबाउट द सोनम बांगचू। सोनम बांगचू को आप लोग सभी ने नाम जरूर सुना होगा या थ्री इडियट मूवी जरूर देखी होगी। तो थ्री इडियट जो मूवी है वो सोनम बांगचू की स्टोरी बेसिकली बताई गई है, ऐसा कहा जाता है। इन्होंने यहाँ पर बॉर्डर मार्च की शुरुआत की है। बॉर्डर मार्च 7 अप्रैल को स्टार्ट की गई थी। इसका मकसद क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, किस तरीके से इल्लीगल वे में इंक्रोचमेंट किया गया है बाय द चाइना इन लद्दाख टेरिटरी, तो ग्राउंड रियलिटी शोध करने के लिए बेसिकली सोनम बांगचू जी के द्वारा 7 अप्रैल को बॉर्डर मार्च की शुरुआत की गई थी। इसके अलावा इन्होंने 21 डेज का फास्टिंग भी किया था क्योंकि लद्दाख के लोगों की डिमांड है कि लद्दाख को सिक्स नंबर के शेड्यूल में शामिल किया जाना चाहिए। ठीक है, सिक्स शेड्यूल में अगर आपको शामिल कर दिया गया तो इससे क्या होता है, इससे स्टेट या कह सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कंट्रोल होता है वो कम हो जाता है क्योंकि आपको कंट्रोल करने के लिए एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई जाती है जो वहाँ के फॉरेस्ट, वहाँ के ट्राइबल, उनके सबके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होती है। ये सारी बातें आपको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 244 में मिल जाएंगी। फिलहाल हमारा जो सिक्स नंबर का शेड्यूल है इसमें आपको 4 स्टेट्स देखने को मिलते हैं विच इज आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। और काफी लंबे से डिमांड चल रही है कि लद्दाख को भी 6 नंबर के शेड्यूल में शामिल किया जाए, डन। नेक्स्ट आता है पंजाब। तो पंजाब के डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ने रिसेंटली एक वेबसाइट लॉन्च की है जिसका नाम है बूथ राबता। और बूथ राबता अपने तरीके की पहली इस तरीके की वेबसाइट है। बेसिकली जो यंग वोटर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा आजकल के जो जेंजी हैं या यंग वोटर्स हैं वो हर चीज़ अपलोड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर इस वेबसाइट से जो यंग वोटर्स हैं वो ईजिली अपना वोटर सर्टिफिकेट डाउनलोड कर पाएंगे और किसी भी पोलिंग स्टेशन की रेटिंग कर पाएंगे यूजिंग दिस एप्लीकेशन। सिमिलर हरियाणा गवर्नमेंट, तो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हरियाणा गवर्नमेंट ने रिसेंटली वोटर इन क्यू एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। मतलब किसी भी पोलिंग स्टेशन में कितनी लंबी लाइन है,
ठीक है, मतलब कितना ज्यादा क्राउड वहां पर है, आपको कितना देर लग सकती है अगर आप पोलिंग स्टेशन अभी जाते हैं वोटिंग करने के लिए। तो जिससे व्यक्ति रियल टाइम इन्फॉर्मेशन ले सके अपने नियर बाय पोलिंग बूथ की और फिर अकॉर्डिंगली अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंगली वहां पर वोटिंग करने जा सके। ठीक है, सिंपल सा तरीका है, यहाँ पर जो BLO होता है मतलब आपका ब्लॉक लेवल ऑफिसर, वो यहाँ पर हर एक घंटे या हाफ एन आवर में क्या करेगा, अपलोड करता रहेगा कि क्या स्टेटस है अभी पोलिंग बूथ का। अगला स्टेट बात करेंगे उत्तर प्रदेश। तो अडानी टोटल स्टार्ट बायोगैस प्रोडक्शन इन बरसाना उत्तर प्रदेश। तो अडानी टोटल एनर्जी बायोमास लिमिटेड, बेसिकली ये जो कंपनी है एक सब्सिडरी है अडानी ग्रुप की, और हम कह सकते हैं कि एक जॉइंट वेंचर है ये अडानी ग्रुप और टोटल एनर्जी ऑफ फ्रांस का। और ये लोग मिलकर तैयार कर रहे हैं फर्स्ट फेज ऑफ बरसाना बायोगैस प्लांट इन श्री माताजी गौशाला मथुरा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये 3 अलग अलग फेजेस में स्टार्ट होगा और लगभग 200 करोड़ रुपीस की कॉस्टिंग इस पर देखने को मिलेगी। जब एक बार ये प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा तो आप देख सकते हैं ये 42 टन पर डे कंप्रेस्ड बायोगैस और 217 टन पर डे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को प्रोड्यूस करने का काम करेगा, जिससे हमारा जो टारगेट है कि नेट कार्बन एमिशन हमें जीरो करना है 2070 तक, इस डायरेक्शन में हम काम कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी ये कंस्ट्रक्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। जब हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के एक वीट वैरायटी है जिसका नाम है कठिया गेहूं, वो भी न्यूज में है आप देखेंगे, क्योंकि रिसेंटली इसे GI सर्टिफिकेशन मिला है। सो बुंदेलखंड रीजन इन उत्तर प्रदेश हैज रिसीव इट्स फर्स्ट ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग फॉर अ फार्म प्रोड्यूस। ठीक है, इसे हम कठिया गेहूं या कठिया वीट के नाम से जानते हैं और उत्तर प्रदेश अभी लीड कर रहा है GI प्रोडक्ट के मामले में। यूपी में टोटल 75 प्रोजेक्ट या 75 आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे जिनको GI सर्टिफिकेशन दिया गया है। नेक्स्ट है मैक्स टू इन्वेस्ट 2500 करोड़ रुपीज इन लखनऊ, BUP's लार्जेस्ट प्राइवेट हेल्थ केयर फर्म। यहाँ पे मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड, जो कि एक दिल्ली बेस्ड प्राइवेट हॉस्पिटल की चेन है, वो लगभग 2500 करोड़ रुपीस हॉस्पिटल डेवलपमेंट करने के लिए लखनऊ में इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का भी अपना एक टारगेट है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो $1 trillion की इकोनॉमी हो जाएगी बाय 2027। ठीक है, एक्चुअली जो मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट है इनका टारगेट है कि हमारी जो बेड कैपेसिटी है अभी 4000 की है, हम इसको 8200 बेड कैपेसिटी करना चाहते हैं, तो हम फेज मैनर में 5000 रुपीज यहां पर इन्वेस्ट करेंगे। एंड इनिशियली 2500 करोड़ रुपीज इन्वेस्ट किए गए हैं कहां पे, लखनऊ में। यहां पे हॉस्पिटल के साथ साथ कई सारी टेक्नोलॉजी भी डिजाइन की जाएंगी, जैसे कि रोबोटिक्स, आपका ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन या आपका रेडिएशन थेरेपी इन ऑन्कोलॉजी, मतलब कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए जो रेडियोथेरेपी की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट है महाकुंभ। हम सभी को पता है कि 12 ईयर में एक बार, 12 साल में एक बार महाकुंभ होता है। ठीक है, और इस बार महाकुंभ 2025 में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होना है। तो प्रयागराज में वर्ल्ड का लार्जेस्ट 10 सिटी तैयार किया जा रहा है, जो लगभग 4000 हेक्टेयर एरिया में तैयार किया जाएगा, क्योंकि हम सभी को पता है कि जो महाकुंभ होता है उसमें आपको इंडिया के अलावा NRI पर्सन, फॉरेन के कंट्री के लोग भी आते हैं। नेक्स्ट है फर्स्ट ग्लास स्काई वॉक ब्रिज ऑफ UP इज रेडी टू ओपन इन चित्रकूट। तो चित्रकूट में उत्तर प्रदेश का पहला स्काई वॉक ब्रिज रेडी किया गया है, लगभग 3.70 करोड़ रुपीज इसमें कॉस्टिंग आई है। इसे रेडी किया है फॉरेस्ट एंड टूरिस्ट डिपार्टमेंट, इसके अलावा पवन शुद्ध कंस्ट्रक्शन कंपनी गाजीपुर, इनने मिलकर तैयार किया है। ठीक है, और इसे टूरिस्ट के लिए ओपन कर दिया गया है। कहाँ पर आप देख सकते हैं, तुलसी सबरी वाटरफॉल चित्रकूट में इसको रेडी किया गया है। एंड इंडिया का पहला स्काई वॉक रेडी किया गया था सिक्किम में। डन। अब वाराणसी, अगेन उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, वाराणसी की ट्राई कलर बर्फी, जिसको हम तिरंगा बर्फी भी बोल रहे हैं, इसके अलावा डलुआ या ढलुआ आइडियल मेटल क्राफ्ट, जो ढलुआ मेथड होती है जिससे हम देवी देवताओं को बनाते हैं, उस मेथड की बात हो रही है, इन दोनों प्रोडक्ट को GI सर्टिफिकेशन रिसेंटली दिया गया है। और बनारस या वाराणसी जो है वो टॉप पर है हमारी कंट्री में सिटीज के टर्म में, जिसको सबसे ज्यादा GI सर्टिफिकेशन मिले हैं, विच इज 34। डन। चलिए नेक्स्ट स्टेट आता है त्रिपुरा। तो त्रिपुरा के भी कुछ प्रोडक्ट हैं जिन्हें GI सर्टिफिकेशन दिया है। कुछ समय पहले मैंने डिस्कस किया था, एक ट्रेडिशनल अटायर है त्रिपुरा का जिसका नाम है रीशा, इसको GI सर्टिफिकेशन दिया गया था। इसके अलावा त्रिपुरा के पाइनएप्पल्स को भी GI सर्टिफिकेशन दिया गया है। एंड त्रिपुरा की मातावरी पेड़ा एंड
पारचा को रिसेंटली GI सर्टिफिकेशन दिया है। तो मातावड़ी पेड़ा तो आपकी एक स्वीट डिश हो गई, खाने पीने की चीजें हो गई। इसके अलावा अगर हम हैंड वुबन क्राफ्ट के बारे में या ट्रेडिशनल अटायर के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम क्या है यहाँ पे, पारचा, जिसको हम रिग्नाई पारचा भी कहते हैं, इसे भी GI सर्टिफिकेशन दिया गया है, त्रिपुरा स्टेट से बिलोंग करता है। नेक्स्ट आता है MP, मध्य प्रदेश टॉप इन द इम्प्लीमेंटिंग द सेंट्रल ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम लॉन्च किया था। क्या है ये प्रोग्राम? बेसिकली आपको अपने स्टेट के जो एरियाज हैं उनको लैंड पार्सल जो है उनको अप्रूव करना है, जहाँ पे आप प्लांटेशन कर सकते हो। क्योंकि हम चाहते हैं भाई कार्बन एमिशन जीरो हो, तो हम जितना कार्बन प्रोड्यूस करते हैं उतनी संख्या में हमें अपने पेड़ पौधों को या प्लांटेशन तो करना होगा। तो सभी स्टेट को कहा गया है कि आप अपने अपने एरिया के लैंड पार्सल डिसाइड करो कि जहाँ पर हमें प्लांटेशन करना है। तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के इस सेंट्रल ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम में टॉप पर है। यहाँ पे 500 लैंड पार्सल्स को अप्रूव किया गया है और जिसमें प्लांटेशन किया जाएगा। तो लगभग यहाँ पे 10,000 हेक्टेयर ऑफ लैंड को आइडेंटिफाई किया गया है जहाँ पर प्लांटेशन किया जाएगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं गुजरात, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और आसाम ने भी अपने लैंड पार्सल को डिसाइड किया है जहाँ पर प्लांटेशन किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम क्या होता है? तो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम एक मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म है जो स्टेट को इनकरेज करता है कि आप वॉलंटरी नेचर में एनवायरमेंट के लिए कुछ काम करो, प्लांटेशन वगैरह करो। इसमें क्या होता है, आपको ग्रीन क्रेडिट दिया जाता है, बाद में आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी क्या है? द इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन एंड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर काम करती है, जो कि इस ऑपरेशन को या इस प्रोग्राम को रन कर रही है। नेक्स्ट बात आती है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में एक विलेज है जिसका नाम है मिराज टाउन, और मिराज टाउन आपको सांगली डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे घर हैं एंड 450 आपको क्राफ्टमैन देखने को मिलेंगे, जो कि ट्रेडिशनल हमारे जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं ना उनको रेडी करते हैं, और उनमें इंपॉर्टेंट है सितार एंड तानपुरा। तो सितार एंड तानपुरा जो कि महाराष्ट्र के मिराज टाउन से बिलोंग करता है, तो मिराज टाउन को यहाँ पे GI सर्टिफिकेशन रिसेंटली दिया गया है। डन, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं कुछ इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स पे। तो पहले पर्सन है यहाँ पे अब्दुल फतह अल सीसी, और ये इजिप्ट के प्रेसिडेंट बन गए हैं फॉर थर्ड टर्म, और इनका जो प्रेसिडेंशियल टेन्योर रहेगा वो 2030 तक रहेगा। जैसे कि हमारी कंट्री में 5 ईयर के लिए प्रेसिडेंट होते हैं, वैसे ही इजिप्ट, चार्ड वगैरह में आपको 6 ईयर के लिए प्रेसिडेंट देखने को मिल जाएंगे। ये पहली बार 2014 में इलेक्शन जीते थे प्रेसिडेंट का। अगले पर्सन है राकेश मोहन, अपॉइंटेड टू द वर्ल्ड बैंक इकोनॉमी एडवाइजरी पैनल। ये एक इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट मुझे लगती है, क्योंकि राकेश मोहन RBI के फॉर्मर डिप्टी गवर्नर रह चुके हैं, और इन्हें रिसेंटली वर्ल्ड बैंक का इकोनॉमी एडवाइजरी पैनल का मेंबर बनाया है। और वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? अजय बंगा, आप सभी को पता है। ठीक है, अगले पर्सन है एस्ट्रिड शोमेकर, एस्ट्रिड शोमेकर ऑफ जर्मनी, अपॉइंटेड एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी ऑफ CBD, मतलब कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के आपको सेक्रेटरी कैसे बनाया गया है? तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जो सेक्रेटरी हैं, सॉरी यूनाइटेड नेशन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं जिनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने एस्ट्रिड शोमेकर को अपॉइंट किया है, जो कि जर्मनी से बिलोंग करते हैं, और एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी बनाए गए हैं कन्वेंशन ऑन द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के, और ये 8th नंबर के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हैं एंड पहले हैं फ्रॉम जर्मनी। डन, अगले पर्सन है पीटर पेलेग्रिनी, और इन्होंने स्लोवाकिया का 6th प्रेसिडेंट बनाया है। आप यूरोप कॉन्टिनेंट में जाएंगे तो आपको स्लोवाकिया पोलैंड से बॉर्डर शेयर करते हुए और यूक्रेन से बॉर्डर शेयर करते हुए दिखाई दे जाएगा, और यहाँ पे पीटर पेलेग्रिनी को स्लोवाकिया का 6th नंबर का प्रेसिडेंट बनाया गया है। एंड स्लोवाकिया जो है वो यूरोपियन यूनियन का एक पार्ट है सिंस 2004, करेंसी यूरो है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है इंडियाज जगजीत पवादिया was re-elected for the third term for the 5 year from March 25 to 2030 to the International Narcotic Control Board. यहाँ पर देखेंगे इंडिया की हैं जगजीत पवादिया, और इनको थर्ड टर्म के लिए 5 सालों के लिए इंटरनेशनल नार्कोटिक कंट्रोल बोर्ड का क्या बनाया गया है? मेंबर बनाया गया है। इंटरनेशनल नार्कोटिक कंट्रोल बोर्ड का फॉर्मेशन 1968 में हुआ था। टोटल इसमें 13 मेंबर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है UK फर्स्ट वीमेन हाई कमिश्नर टू इंडिया। तो आपका UK यूनाइटेड किंगडम ने अपनी पहली वीमेन हाई कमिश्नर जो कि वीमेन है उनको इंडिया में अपॉइंट किया है, जिनका नाम क्या है, लिंडी कैमरून, आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट है, अगला नाम तो सभी को पता ही है, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, और इन्हें रीअपॉइंट किया गया है IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर अनदर 5 ईयर। तो ऑलरेडी ये मैनेजिंग डायरेक्टर है सिंस 2019 एंड वापस से इनको रीअपॉइंट किया गया है। ठीक है, अगले पर्सन के बारे में बात करते हैं, नाम है लॉरेंस वोंग और इन्हें प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया है सिंगापुर का। एक्चुअली सिंगापुर के ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे और काफी लंबे समय से, मतलब सिंस 2004 से अगर आप देखेंगे तो ली हैन लूंग यहां पर आपको देखने को मिलेंगे सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर। अब इन्होंने कहा कि दूसरे लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए तो इन्होंने स्टेप डाउन कर लिया एंड 15th of May से नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर होंगे सिंगापुर के लॉरेंस वोंग। ठीक है, इनका टेन्योर 5 ईयर्स का होगा। नेक्स्ट है India's Geeta Sabharwal appointed as UN resident coordinator in Indonesia. तो इंडोनेशिया में यूनाइटेड नेशन के जो कोऑर्डिनेटर अपॉइंट की गई हैं वो कौन की गई हैं? गीता सबरवाल की गई हैं। किसने अपॉइंटमेंट किए तो आप देख सकते हैं, यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस और इन्होंने रिसेंटली गीता सबरवाल जो कि इंडिया से बिलोंग करती हैं इन्हें न्यू UN रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर इंडोनेशिया में अपॉइंट किया है। लास्ट में कुछ शॉर्ट न्यूज है, जैसे कि जुडित सुमिनवा तुलुका, इन्हें रिसेंटली फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है आपका कॉन्गो का, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। कुवैत के न्यू प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा और प्रेसिडेंट मोहम्मद म्यूजो वापस से रीअपॉइंट कर दिए गए हैं मालदीव में। ठीक है, डन। अब इसकी PDF कहाँ से मिलेगी? जो हम मंथली कंपाइलेशन सीख रहे हैं या पढ़ रहे हैं अभी फिलहाल, इसकी PDF आपको ऑलिव वुड के एप्लीकेशन से मिलेगी। आप ऑलिव वुड के एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर पाएंगे और जब आप यहाँ पे इसको डाउनलोड करेंगे तो आपको एक सेगमेंट मिलेगा विच इज RBI। तो RBI पे आप जैसे ही जाओगे ना तो आपको क्या मिलेगा, PDF बंडल कोर्स मिलेगा जहां से आप मंथली मैगजीन को, मंथली कंपाइलेशन को ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। अब लास्ट में बात करेंगे सम इंटरनेशनल न्यूज जो रिसेंटली न्यूज में है। सबसे पहला है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट। वी नो दैट यूनाइटेड नेशन ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट डिक्लेयर किया था। अब 2023 खत्म हो चुका है, मतलब यहाँ पे जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट है इसको कंक्लूड किया गया। कहाँ पे कंक्लूड किया गया? तो रोम में किया गया। ठीक है, रोम में से कंक्लूड किया गया है। ये जो इनिशिएटिव था ये मार्च में 2021 में 2021 में इंडियन गवर्नमेंट का ही इनिशिएटिव था और इन्होंने अपना प्रपोजल यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को रखा था कि हम 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलिट के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, अब इलेक्टेड मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर 2024-25। देखिएगा, ये जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल होती है वन ऑफ द ऑर्गन है ये यूनाइटेड नेशन का। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आपको टोटल 15 मेंबर्स देखने को मिलते हैं और इन 15 मेंबर्स से 5 जो मेंबर होते हैं वो परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 मेंबर्स जो होते हैं वो टेम्पररी मेंबर होते हैं फॉर 2 ईयर्स, पीरियड ऑफ 2 ईयर्स के लिए बेसिकली उनको अपॉइंट किया जाता है। ये आपके देखेंगे एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, ईस्टर्न यूरोप, वेस्टर्न यूरोप से आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से टोटल 15 मेंबर आपको मिलते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। यहाँ पे 5 कंट्रीज का नाम है जिनको 24-25 के लिए इलेक्ट किया गया है। कौन कौन सी है वो 5 कंट्रीज? अल्जीरिया, गुआना, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सियारा लियोन एंड द स्लोवेनिया। डन। नेक्स्ट है सेलिब्रेशन ऑफ सर्विंग फूड टू 4 बिलियन पीपल एट यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर। आप सभी लोगों ने अक्षय पात्रा फाउंडेशन के बारे में सुना होगा जो कि काफी कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं एंड यहाँ पर आप देखेंगे फूड के लिए बेसिकली अक्षय पात्रा को जाना जाता है। ये लोग मिड डे मील स्कीम को भी सम एरियाज में एग्जीक्यूट करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे अक्षय पात्रा फाउंडेशन ने एक हिस्टोरिक फीट यहाँ पे रिसीव किया है और इन्होंने अभी तक 4 बिलियन थाली सर्व कर चुकी हैं। तो इनका जो सेलिब्रेशन है इसे ऑर्गेनाइज किया गया था इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द UN रुचिका कंबोज ने इस स्पेशल इवेंट को यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर में ऑर्गेनाइज किया था। ठीक है, एंड थीम क्या थी इस इवेंट की? तो अचीवमेंट इन द फूड सिक्योरिटी, इंडियाज प्रोग्रेस टूवर्ड्स द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अक्षय पात्रा फाउंडेशन की शुरुआत 2000 में की गई थी। नेक्स्ट है कोविनेट। अब ये क्या है? जैसे कि अभी कुछ समय पहले हमारे देश में पैंडेमिक था, पूरे वर्ल्ड में ही पैंडेमिक था, आने वाले समय में ये जो कोरोना वायरस है उसका वापस से म्यूटेशन हो सकता है और आपको एक मैंने आपको बताया था फ्लड करके एक नया वेरिएंट ओमिक्रॉन का जो कि USA में था उस पर डिस्कशन भी मैंने किया था। तो फ्यूचर में ऐसा कोई अगर पैंडेमिक होता है या कोई वायरस में म्यूटेशन होता है तो उसके बारे में हम रिसर्च कर सकें, वैक्सीनेशन रेडी कर सकें, तो पूरा एक डेटाबेस रेडी करना जरूरी है अकॉर्डिंग टू द WHO। दैट्स वाई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है कोविनेट।
a global network of laboratories specializing in human, animal and environmental coronavirus surveillance. इसका मकसद क्या होगा? डिटेक्ट करना एंड मॉनिटरिंग करना जो इमर्जिंग कोरोना वायरस है या एग्जिस्टिंग जो वायरस है उनमें कोई म्यूटेशन तो नहीं हो रहा, तो हमें नए स्ट्रेन का पता लगेगा जिसके बाद हम इस पर रिसर्च वर्क कर सकेंगे. तो लगभग इसमें 36 लेबोरेटरीज फ्रॉम 21 कंट्रीज आपको देखने को मिल जाएंगी और इंडिया के भी लेबोरेटरीज इसमें इंक्लूड है, जैसे कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट. नेक्स्ट है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी इन पुणे एंड ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट आर पार्ट ऑफ दिस नेटवर्क. तो कोविनेट किसने लॉन्च किया है? WHO ने लॉन्च किया है. नेक्स्ट है यूनेस्को नेम्स 18 न्यू जियो पार्क. रिसेंटली यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने यहाँ पे फैसला लिया है कि 18 साइट्स को यूनेस्को की ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में इंक्लूड किया जाएगा, जिसके बाद यूनेस्को के टोटल नंबर ऑफ जियो पार्क साइट्स कितनी हो जाएंगे? तो 213 इन 48 कंट्रीज. डन. अब यहाँ पे जो जियो पार्क जो नए एड ऑन किए हैं ये कहाँ पर है? तो ब्राजील, चाइना, क्रोशिया, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, ग्रीस, हंगरी, पोलैंड, पोर्चुगल और स्पेन में है. इंडिया की यहाँ पे कोई भी साइट नहीं है. इन सभी साइट्स में से केवल और केवल एकमात्र ऐसी साइट है जो ट्रांस बॉर्डर बाउंड्री जियो पार्क है, मतलब दो देशों के बीच की बॉर्डर पे है, बेल्जियम एंड किंगडम ऑफ नीदरलैंड की बॉर्डर पे. ठीक है. अब यूनेस्को ने जो ग्लोबल जियो पार्क सिस्टम स्टार्ट किया था ये 2015 में किया था. पूरे वर्ल्ड के जो जियो पार्क है, मतलब ऐसे एरियाज जिनको वहाँ के ट्राइबल एंड प्राइवेट कम्युनिटी उसको मैनेज करती है, हैंडल करती है, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करती है, इसके अलावा टूरिज्म भी वहाँ पर आ सकते हैं, तो ऐसे साइट्स को हम जियो पार्क के नाम से जानते हैं. ठीक है. तो लगभग यहाँ पे अब कितनी हो गई है? 213 आपको जियो पार्क देखने को मिल जाएंगे. नेक्स्ट है बुल्गारिया एंड रोमानिया पार्सली ज्वाइन यूरोप सेंजांग एरिया. अब देखिएगा यूरोप कॉन्टिनेंट में काफ़ी सारे मतलब देश आते हैं एंड यूरोपियन यूनियन में भी काफ़ी सारी कंट्रीज आती हैं और ये कंट्रीज आपस में एक दूसरे के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स भी करते हैं. ये कंट्रीज आपस में एक दूसरे से मतलब बॉर्डर भी शेयर करने के अलावा क्या होता है, इनके यहाँ पे माइग्रेशन भी बहुत ज़्यादा होता है, जॉब करने के लिए या एजुकेशन पर्पज से माइग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है. तो यहाँ पर एक वीज़ा सिस्टम चलता है विच इज़ सेंजांग वीज़ा या सेंजांग एरिया. मतलब आप इन सारे कंट्रीज में एक्सेस कर सकते हैं अगर आपके पास ये सेंजांग वीज़ा अवेलेबल है. तो पार्शली बुल्गारिया एंड रोमानिया ने यहाँ पे ज्वाइन किया है सेंजांग एरिया, जिससे क्या होगा, ये आईडी चेक फ्री ट्रेवल जोन हो जाएगा यूरोप में. ठीक है. दिस इज अ इंपॉर्टेंट स्टेप इन द इंटीग्रेशन ऑफ बोथ कंट्रीज विद द यूरोपियन यूनियन. आफ्टर ईयर ऑफ नेगोशिएशन पैसेंजर्स अराइविंग बाय एयर और सी फ्रॉम बोथ कंट्रीज नाउ हैव अ फ्री एक्सेस टू द सेंजांग एरिया. ठीक है. ये जो सेंजांग एरिया का कॉन्सेप्ट है 1985 में आया था और लगभग 23 कंट्रीज अभी इसको फॉलो करती आउट ऑफ 27 यूरोपियन मेंबर्स. इसके अलावा कुछ ऐसी कंट्रीज भी हैं जो कि यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है बट सेंजांग वीजा का पार्ट है. फॉर एग्जांपल स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड आपको देखने को मिल जाएगा. बुल्गारिया एंड रोमानिया ने यूरोपियन यूनियन को 2007 में ज्वाइन किया था बट सेंजांग वीजा का पार्ट नहीं थे. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यंग ग्लोबल लीडर क्लास ऑफ 2024, तो 20वां एडिशन यंग ग्लोबल लीडर कम्युनिटी का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने होस्ट किया है. कहां पर? जेनेवा स्विट्जरलैंड में, जिसमें लगभग 90 यंग पीपल जिनकी एज 40 इयर्स के बीच में है, लगभग अलग अलग कम्युनिटी से, अलग अलग सोसाइटी जैसे कि पॉलिटिक्स, बिजनेस, सिविल सोसाइटी, आर्ट एंड एकेडमिया से शामिल हुए और यहाँ पर डिस्कशन हुआ. ठीक है. इसके अलावा यहाँ पे इन 40 जिनकी एज ग्रुप 40 या उससे कम है, ऐसे लोगों को अलग अलग एरियाज में क्या दिया गया? अवार्ड दिए गए. ठीक है. तो ये अवार्ड देख लेते हैं. 5 इंडियन का नाम आपको इस लिस्ट में देखने को मिल जाएगा. ये वो 5 इंडियन है, जैसे कि भूमि पेडनेकर जो कि एक जानी मानी बॉलीवुड एक्ट्रेस है आर्ट एंड कल्चर कैटेगरी में. नेक्स्ट है अद्विता नायर जो कि बिजनेसमैन है और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है नायका फैशन की. अर्जुन भारतीय बिजनेसमैन है, डायरेक्टर है जुबिलेंट ग्रुप के. प्रिया अग्रवाल हिब्बर बिजनेसमैन है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट द वेदांता लिमिटेड. एंड शरद विवेक सागर जो कि एक सोशल एंटरप्रेन्योर है. तो इन 5 लोगों को ये अवार्ड दिया गया है बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. डन. चलिए नेक्स्ट है
वर्ल्ड का पहला मिस एआई ब्यूटी पेजेंट। तो वर्ल्ड में पहली बार जो एआई क्रिएटर्स हैं उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो एक अपनी मॉडल डिजाइन कर सकते हैं और उनका बीच में कंपटीशन होगा और जो कंपटीशन जीतेगा उनकी मॉडल मिस एआई ब्यूटी पेजेंट बन जाएगी। फॉर द फर्स्ट टाइम इस तरीके का कॉम्पिटिशन हो रहा है और जो भी यहाँ पे जीतेगा फर्स्ट प्राइज मनी होगी $20,000 की। ठीक, नेक्स्ट है ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। सो इंडिया लीडिंग द ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स कंप्राइजिंग 40 मेंबर स्टेट। तो लगभग 40 मेंबर का एक ग्रुप है जिसको हम ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स कहते हैं और ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स को लीड कर रहा है कौन? इंडिया। ठीक है, इंडिया लॉन्च अ न्यू डेटाबेस होस्टेड ऑन द यूनाइटेड अवेयर प्लेटफॉर्म टू रिकॉर्ड क्राइम अगेंस्ट पीस कीपर एंड द मॉनिटर अकाउंटेबिलिटी एफर्ट्स। बेसिकली यहाँ पे क्या किया जा रहा है, ये जो ग्रुप ऑफ 40 है यहाँ पर एक दूसरे देशों में हम लोग क्या लॉन्च करते हैं, पीस कीपर मिशन लॉन्च करते हैं। अगर कहीं पे कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कोई सिविल वॉर चल रही है तो हमारे मिशंस वहां पे जाते हैं, लेकिन समटाइम हमारे जो पीस कीपर्स होते हैं, हमारे जो ट्रूप्स डिप्लॉय हमने किए हैं उनके अगेंस्ट कुछ एट्रोसिटी होती है या उनके कुछ राइट्स का वायलेशन होता है, तो उस बात को इंश्योर करने के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स की मीटिंग हो रही है जिसको लीड कर रहा है इंडिया। ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स को 2022 में लॉन्च किया गया था टू प्रमोट अकाउंटेबिलिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट द ब्लू हेलमेट ड्यूरिंग इट्स प्रेसिडेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इंडिया, बांग्लादेश, इजिप्ट, फ्रांस, ये सभी आपको देखने को मिलेंगे इस ग्रुप का पार्ट। नेक्स्ट है इंदिरा एप्लीकेशन। इंदिरा एप्लीकेशन को रिसेंटली वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे के दिन लॉन्च किया गया था। ये जो एप्लीकेशन है इंदिरा, इसका फुल फॉर्म क्या है, इंडियन नेबल डायनेमिक रिसोर्स फॉर वेदर एनालिसिस एप्लीकेशन है। बेसिकली ये क्या करेगी, रियल टाइम इन्फॉर्मेशन देगी एंड फॉरकास्ट करेगी वेदर के बारे में, जिससे इजिली रिसर्च वर्क एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम को इशू किया जा सके। इस एप्लीकेशन को डेवलप किसने किया है, तो भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेशन ने, जियो इन्फॉर्मेटिक ने इसको डिजाइन किया है विद द कोलैबोरेशन ऑफ नेवल ओशनोलॉजी एंड मेट्रोलॉजी इंडियन नेवी। ठीक, डन। नोडल मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट है प्लूटो, डिक्लेयर ऑफिशियल स्टेट प्लैनेट ऑफ विच ऑफ दिस यूएस स्टेट। तो यहाँ पर यूएस में एक स्टेट है जिसका नाम है एरिजोना। तो एरिजोना ने प्लूटो को अपना ऑफिशियल स्टेट प्लैनेट डिक्लेयर किया है। वी नो दैट प्लूटो स्टेट मतलब एक प्लैनेट नहीं है। 2006 में इसे प्लैनेट की कैटेगरी से बाहर कर दिया गया था और इसे डार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में रखा गया था। बट एरिजोना ने कहा कि ये एकमात्र सोलर सिस्टम का प्लैनेट था जो कि एरिजोना में डिस्कवर किया गया था, राइट? इसलिए एरिजोना ने स्टेट प्लैनेट डिक्लेयर किया है प्लूटो को। ठीक, नेक्स्ट है नेटो सेलिब्रेट 75th एनिवर्सरी ऑफ कलेक्टिव डिफेंस इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। देखिएगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जिसका फॉर्मेशन 4 अप्रैल 1949 को हुआ था एंड यहाँ पर आप देखेंगे इनकी एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही है। यूएसए, कनाडा और सेवरल वेस्टर्न यूरोप नेशन जो है ये फाउंडिंग मेंबर है नेटो के। बेसिकली यूएसएसआर के अगेंस्ट में एक तरीके से आप बोल सकते हैं नेटो का फॉर्मेशन किया गया था। ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। रिसेंटली फिनलैंड 31st नंबर का एंड स्वीडन 32nd नंबर का मेंबर बन गया है नेटो का एंड नेटो के सेक्रेटरी जनरल आपको जेंस स्टोल्टेनबर्ग देखने को मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है यूरेशिया इकोनॉमिक यूनियन। जैसा कि यूरोपियन यूनियन होता है और यूरोपियन यूनियन के जो कंट्रीज हैं वो आसानी से आपस में ट्रेड वगैरह करते हैं, सिमिलर यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया गया था बाय द 5 मेंबर नेशन जिसका नाम है यूरेशिया इकोनॉमी यूनियन, ईईयू, जिसमें आपको 5 कंट्री रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, आर्मेनिया एंड बेलारूस देखने को मिल जाएंगे। और रिसेंटली इंडिया ने इस ग्रुप के साथ नेगोशिएशन स्टार्ट किया है फॉर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, डन। इतनी चीजें, इससे फायदा क्या होगा, हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर पाएंगे, कई सारे जो ड्यूटीज या चार्जेस होते हैं वो नहीं लगेंगे, जिसके कारण जो प्राइजेस हैं उनके दामों में कमी आएगी। ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन 2014 में किया गया था बाय द ट्रिटी ऑन द यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन इन अस्ताना, कजाकिस्तान, जिसमें 5 मेंबर कंट्री है जैसा कि हमने डिस्कस कर ही लिया है। डन। नेक्स्ट, जिम्बाब्वे इंट्रोड्यूस अ न्यू गोल्ड बैक करेंसी ZiG। तो यहाँ पे जिम्बाब्वे में जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे थे या इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा था, इसके अलावा अभी क्लाइमेट के कारण इनका जो प्रोडक्शन था वो काफी कम हुआ, दैट्स व्हाई जिम्बाब्वे ने अपनी एक नई गोल्ड करेंसी एक नई करेंसी इंट्रोड्यूस की है जिसका नाम है ZiG। ZiG का मतलब है जिम्बाब्वे गोल्ड
और ऐसा ये पहली बार नहीं कर रहे हैं, इसके पहले भी इन्होंने कई बार अपनी करेंसी को ऑलरेडी चेंज कर चुके हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मार्च 2024 में जो इन्फ्लेशन देखा गया था वो 55% आपको देखने को मिला था, इसलिए इन्होंने यहाँ पे नई करेंसी को इंट्रोड्यूस किया। बट स्टिल जो डॉलर है वो यहाँ पे लीगल टेंडर होगा, आप डॉलर में अभी भी ट्रांजेक्शन कर पाएंगे, ये बात भी इन्होंने कही है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल विजन फॉर रीजनल सिक्योरिटी GCC, तो GCC ने अभी तक इस तरीके का कोई फैसला नहीं लिया था। पहली बार जिस तरीके से रेड सी में अटैक बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से अलग अलग जो कंट्रीज हैं उनमें वॉर की कंडीशन है, तो पहली बार इन देशों के बीच में कोई डिस्प्यूट्स ना हो, अगर कोई डिस्प्यूट्स होते भी हैं तो उनको हम बैठ कर सॉल्व कर सकें, इसलिए पहली बार यहाँ पर GCC ने अनाउंस किया है विजन फॉर रीजनल सिक्योरिटी इन रियाद। GCC मतलब गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल में आपको ये कंट्रीज देखने को मिलती है जिसमें कुवैत, बहरीन, सऊदी अरेबिया, कतर, ओमान और आपको UAE देखने को मिलते हैं। बेसिकली ये जो 6 कंट्रीज हैं मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, ये अपने अपने कल्चर के लिए, कल्चरल वैल्यू के लिए जाने जाती हैं, जिसका फॉर्मेशन 1981 में किया गया था, ठीक है, डन। नेक्स्ट, IPEF टू ऑर्गेनाइज क्लीन इकोनॉमिक इन्वेस्टर फोरम इन सिंगापुर इन जून 2024। देखेंगे इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के बारे में बात हो रही है एंड इनका नया जो कॉन्फ्रेंस होने वाला है क्लीन एनर्जी इन्वेस्टर फोरम वो सिंगापुर में होने वाला है, जिसमें लगभग इन सभी ग्रुप मतलब इस ग्रुप में जितने भी मेंबर है वो सभी लोग आएंगे और इनकरेज करेंगे एक दूसरे को कि भाई हमको क्लीन एनर्जी के सेक्टर में फंडिंग की जरूरत है। तो यहाँ पर मेन मकसद क्या है, फंडिंग करना है, इन्वेस्टमेंट करना है। IPEF को 2022 में लॉन्च किया गया था, करंटली इसमें 14 पार्टनर स्टेट आपको मिल जाएंगे, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, बुर्नोई, फिजी, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया एटसेट्रा। नेक्स्ट है मिड डे मील। सो मिड डे मील स्कीम जो है वो 15th अगस्त 1995 को इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी। अब ये स्कीम काफी सक्सेसफुल हुई और इनसे इंस्पायर हो गए कौन, हमारे इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जिनका नाम है प्रभाबो सुबियांतो, और इन्होंने अपने डेलीगेशन को भेजा इंडिया। और इसके अलावा इंडोनेशिया में जो इलेक्शन होने वाले हैं तो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है प्रभाबो सुबियांतो, इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा अगर हम इलेक्शन जीत जाते हैं तो हम मिड डे मील स्कीम को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो ये स्कीम कैसे काम करती है, किस तरीके से सप्लाई चेन होती है, क्या क्या बातों का ध्यान रखा जाता है, तो ये सारी चीज़ें सीखने के लिए, मिड डे मील स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए इंडोनेशिया से डेलीगेशन ने विजिट किया है इंडिया में, ठीक है। बेसिकली द डेलीगेशन इंटरेक्ट विद द ऑफिशियल फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और गेनिंग द इनसाइट इनटू द स्कीम इंप्लीमेंटेशन, लॉजिस्टिक, न्यूट्रिशनल वैल्यू, चैलेंजेस एंड द रोल ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट है ईरान लॉन्च ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस अगेंस्ट इसराइल। तो रिसेंटली ईरान ने लगभग 300 मिसाइल एंड ड्रोन अटैक किया था इसराइल पे अंडर द ट्रू प्रॉमिस, एक ऑपरेशन इन्होंने लॉन्च किया था। इसके अलावा आप यहाँ पे कुछ और रिसेंट में जो पिछले एक साल दो साल में जो ऑपरेशन रन किए गए हैं आप उनकी एक छोटी सी लिस्ट देख सकते हैं PDF में और आप इसको पढ़ भी सकते हैं, डन। ओके, नेक्स्ट है नाइजीरिया बिकम द फर्स्ट कंट्री टू रोल आउट अ वैक्सीन फॉर मेनिनजाइटिस। तो मेनिनजाइटिस एक अगेन आपका न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो कि हमारे ब्रेन या नर्वस सिस्टम से एसोसिएटेड है और बैक्टीरिया के कारण मेनिनजाइटिस जनरली होता है। तो WHO के रिकमेंडेशन के बाद नाइजीरिया पहली कंट्री बन गई है जिसने यहाँ पे कह सकते हैं कि मेनिनजाइटिस की वैक्सीनेशन स्टार्ट की है और इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम को कोई ना कोई तो फंड करेगा ही, क्योंकि WHO ने तो कह दिया कि वैक्सीन लगाओ, लेकिन फंड कौन करेगा, गावी, GAVI, गावी यहाँ पे फंड करेगा द वैक्सीन अलायंस विद सपोर्ट लोअर इनकम कंट्रीज विथ रूटीन वैक्सीनेशन अगेंस्ट द मेनिनजाइटिस। और ये जो नई वैक्सीनेशन है इसका नाम है MEN-5 CV आपको इस वैक्सीन का नाम देखने को मिलेगा और इस वैक्सीन को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड PATH PATH ने मिलकर तैयार किया है और WHO ने इस वैक्सीनेशन के लिए रिकमेंड किया है, ठीक है। तो गावी यहाँ पे रिसोर्स प्रोवाइड करेगा नाइजीरिया को, डन। ओके, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, स्वीडन ज्वाइन आर्टेमिस अकॉर्ड। तो यहाँ पे देखेंगे दो कंट्री हैं, एक है स्वीडन और एक है स्लोवेनिया। तो स्वीडन 38 नंबर की कंट्री एंड स्लोवेनिया 39 नंबर की कंट्री बन गई है जिन्होंने आर्टेमिस अकॉर्ड को ज्वाइन किया है। अभी आर्टेमिस अकॉर्ड क्या होता है, ये आपको पीसफुल स्पेस के यूज के बारे में बात करता है। बेसिकली नासा का एक मिशन है जिसका नाम है आर्टेमिस, आर्टेमिस के नाम पे ही इसका नाम आर्टेमिस अकॉर्ड रखा गया है और एक कोई लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं, अपनी मर्जी से कोई भी कंट्री इसे ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि रशिया और चाइना ने
इस अकॉर्ड को ज्वाइन नहीं किया। बेसिकली अकॉर्ड क्या कहता है, आउटर स्पेस को हम कितने पीसफुली तरीके से यूज कर सकते हैं, और स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए ये अकॉर्ड है। यूनाइटेड नेशन मेंबरशिप फॉर पैलेस्टीन, तो देखिएगा यूनाइटेड नेशन यहाँ पे जो पैलेस्टीन है ना, वो बहुत लंबे समय से ऑब्जर्वर है यूनाइटेड नेशन का, सिंस 2012, और इन्होंने अप्लाई किया एज अ परमानेंट मेंबरशिप ऑफ यूनाइटेड नेशन। अब जब आप परमानेंट मेंबरशिप के लिए अप्लाई करते हो तो एक प्रोसीजर होती है, पहले यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जितने 193 मेंबर कंट्री हैं एक रेजोल्यूशन को पास करते हैं, और फिर ये मामला जाता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। जैसे ही मामला यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में गया तो वहां पर आप देखेंगे काफी सारी कंट्रीज ने पास कर दिया, लेकिन यहाँ पे आपको यूएसए देखने को मिलेगा कि यूएसए ने इस यहाँ पर वीटो पावर का इस्तेमाल किया और इस बिल को पास होने नहीं दिया। हम सभी को पता है क्योंकि पैलेस्टीन और या हमास का वॉर चल रहा है इसराइल के साथ, और इसराइल और यूएसए के एक अच्छे रिलेशन है, तो मे बी इसलिए पैलेस्टीन को अप्रूव नहीं किया गया। अगर पैलेस्टीन अप्रूव हो जाता तो ये यूनाइटेड नेशन का 194th नंबर का मेंबर कंट्री बन जाता। फर्स्ट इंटरनेशनल रेनबो टूरिज्म कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन नेपाल, तो यहाँ पे आप देखेंगे नेपाल टूरिज्म बोर्ड ने रिसेंटली पहला इंटरनेशनल रेनबो टूरिज्म कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया था। इसका एम क्या था कि नेपाल का जो टूरिज्म है वो सेफ है, सिक्योर है, किसके लिए, जो आपके सेम सेक्स या सेक्सुअल माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनके लिए। और यहाँ पर नेपाल इस बात को प्रमोट भी करता है और लीगलाइज भी करके रखा है नेपाल ने सेम सेक्स मैरिज, ठीक है। इंडिया कॉल फॉर रीजनल ऑब्जर्वेशन सेंटर एट 2024 ओशियन टिकट कॉन्फ्रेंस, तो पहली चीज़ तो ओशियन टिकट कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई थी, बार्सिलोना स्पेन में हुई थी 10 से लेकर 12 अप्रैल के बीच में। इसे ऑर्गेनाइज किसने किया था, तो गवर्नमेंट ऑफ स्पेन और यूनेस्को, यूनेस्को की इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफी कमीशन है, इन दोनों ने मिलकर इसे ऑर्गेनाइज किया था, जिसकी थीम क्या थी, थीम थी डिलीवरिंग द साइंस वी नीड फॉर ओशियन वी वॉन्ट। इसका एजेंडा क्या है, तो यहाँ पे ओशियन डिकेट कॉन्फ्रेंस जब हुई थी तो लगभग 2021 से 2030 मतलब पूरे डिकेट के लिए कुछ टारगेट सेट ऑन किए गए थे कि हमें किस तरीके से मरीन इकोसिस्टम को तैयार करना है, मरीन बायोडाइवर्सिटी को बूस्ट करना है, मरीन पॉल्यूशन को रिड्यूस करना है हमें, मतलब किस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं अनलॉक ओशियन बेस्ड सॉल्यूशन टू क्लाइमेट चेंज। तो इन सभी जो एजेंडाज को सेट किया गया है, ये सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, हम अपने टारगेट को फुलफिल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए इस मीटिंग को किया गया था। और इसी मीटिंग में इंडिया ने प्रपोजल दिया, क्या प्रपोजल दिया, कि हमें एक रीजन स्पेसिफिक ओशियन ऑब्जर्वेशन सेंटर को भी तैयार करना चाहिए जो कि रियल टाइम फॉरकास्टिंग कर सके और हमें डीप सी इकोसिस्टम को समझने में मदद कर सके, ठीक है। इंडियन डेलीगेशन लीड बाय अर्थ साइंस सेक्रेटरी एम रविचंद्रन। नेक्स्ट है 10MDB मतलब मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक जॉइंटली लॉन्च ग्लोबल को फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म। तो रिसेंटली वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की स्प्रिंग मीटिंग हो रही थी वॉशिंगटन DC में, और वहां पर ये फैसला लिया गया जो 10 मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक हैं उन्होंने लॉन्च किया है ग्लोबल को फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है। ये मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक क्या होते हैं, ये वो बैंक होते हैं जिसमें ओनरशिप किसी एक कंट्री की नहीं होती, जैसे कि वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसमें कई सारी कंट्रीज की मेंबरशिप होती है, अलग अलग कंट्री का शेयर होता है, स्टैक होते हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे अलग अलग कंट्री के अलग अलग वोटिंग राइट्स भी आपको देखने को मिलते हैं। तो ऐसे 10 मल्टीलेटरल बैंक ने यहाँ पर लॉन्च किया है ग्लोबल को फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म, जिससे कोई भी कंट्री है जो कि स्पेशली जो डेवलप्ड कंट्री, लीस्ट डेवलप्ड कंट्री या लो इकोनॉमी कंट्री है, लो इनकम कंट्री है, उनके कोई भी प्रोजेक्ट है जो पाइपलाइन में है, तो उन प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना, उन प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर ग्लोबल को फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। अब आप यहाँ पे वो 10 बैंक्स भी देख सकते हैं जो कि यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं अंडर दिस प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो आप इन्हें पढ़ सकते हैं, ये सारी चीजें आपको PDF में अवेलेबल होंगी, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। डन, चलिए नेक्स्ट है वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस 2024। सो वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस का 26th नंबर का एडिशन रिसेंटली कंक्लूड हुआ था, कहां पर, नीदरलैंड में, जिसकी थीम क्या थी, रीडिजाइनिंग एनर्जी फॉर पीपल एंड प्लैनेट, और इसे ऑर्गेनाइज किसने किया था, तो वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल एंड नीदरलैंड गवर्नमेंट ने इसे होस्ट किया था। वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल का मेंबर आपको इंडिया भी देखने को मिल जाएगा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रमोट द सस्टेनेबल यूज एंड सप्लाई ऑफ एनर्जी फॉर बेनिफिट ऑफ ऑल पीपल। इसका फॉर्मेशन 1923 में देखने को मतलब किया गया था, ठीक है।
नेक्स्ट है सियारा लियोन डिक्लेयर अ नेशनल इमरजेंसी. बेसिकली सियारा लियोन के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की है. क्यों की है? क्योंकि जो यहाँ के लोग हैं, यहाँ की जो पब्लिक है, वो लगातार गलत तरीके से, इलीगल तरीके से जो सिंथेटिक ड्रग्स है कुछ उसका इस्तेमाल कर रही है. और इस पे अगर बात करें तो ग्रेवयार्ड्स जो होते हैं ना, ग्रेवयार्ड से जो ह्यूमन स्केलेटन है उनको निकाल के उनकी बोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है फॉर दिस ड्रग्स. तो यहाँ पर इसलिए बेस्ट अफ्रीका की कंट्री ने यहाँ पर इमरजेंसी डिक्लेयर की है. नेक्स्ट है सिक्स एडिशन ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर. इस कॉन्फ्रेंस को इंडिया ने न्यू दिल्ली में होस्ट किया था, जिसकी थीम क्या थी? इन्वेस्टिंग टूडे फॉर मोर रेजिलेंट टुमारो. ठीक है, इसमें क्या किया गया? बेसिकली अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट, स्टूडेंट सॉरी इंस्टीट्यूट, मीडिया और इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेक होल्डर सभी लोग यहाँ पर आए और किस तरीके से हम डिजास्टर मैनेजमेंट में काम कर सकते हैं, मतलब हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम रेडी करते हैं उनको हम किस तरीके से रेडी करें कि वो अर्थक्वेक को या फिर फ्लड को झेल जाए, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर का इतना लॉस ना हो, इसलिए ये मीटिंग यहाँ पे की गई थी. अब यहाँ पे द कोलिजन ऑफ डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो इनिशिएटिव है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही है और इसे 2019 में यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट समिट में अप्रूव कराया गया था. फर्स्ट एशियन फ्यूचर फोरम, तो यहाँ पर हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं जयशंकर जी, इन्होंने पहला एशियन फ्यूचर फोरम वर्चुअली अटेंड किया. पहला आशियान फर्स्ट आशियान जो फ्यूचर फोरम है इसको होस्ट किसने किया था? हनोई वियतनाम ने किया था, जिसकी थीम है टूवर्ड फास्ट एंड सस्टेनेबल ग्रोथ ऑफ अ पीपल सेंटर आशियान कम्युनिटी. ठीक है, बेसिकली 43rd नंबर का जब आशियान समिट हुआ था इंडोनेशिया में, तब यहाँ पे बोला गया था कि हमें आशियान फ्यूचर फोरम को ऑर्गेनाइज करना चाहिए, इसलिए पहली बार इसको ऑर्गेनाइज किया गया. इसमें क्या होता है, अलग अलग जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके पार्टनर्स यहाँ पर आते हैं और अपने आइडियाज़ को, पॉलिसीज को एक्सचेंज करते हैं और न्यू सजेशन देते हैं. ठीक है, आशियान का मतलब एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन होता है, जिसका पार्टनर या मेंबर इंडिया तो नहीं है लेकिन इंडिया इसके साथ फ्रेंडशिप अलायंस जरूर शेयर करता है. ठीक है, 1967 में यहाँ पर बैंकॉक डिक्लेरेशन के बाद आशियान का फॉर्मेशन हुआ था. 8 अगस्त को हम आशियान डे सेलिब्रेट करते हैं, हेडक्वार्टर इंडोनेशिया में मिल जाएगा. इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड जो है वो फाउंडिंग फादर है आशियान की, और आशियान का मोटो है वन विजन, वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी. डन. चलिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज फॉर अस, इंडिया एंड रशिया कंपनी टू मैनेज श्रीलंका पोर्ट. देखेंगे, एयरपोर्ट की बात हो रही है. हुआ क्या था, दो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेसिकली श्रीलंका में हैं, जिनमें से एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम है माटला राजपक्षा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और ये एयरपोर्ट आपको हम्बनटोटा में देखने को मिलेगा, इसलिए हम इसे हम्बनटोटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जानते हैं. चाइना का जो एग्जिम बैंक है, चाइना के एग्जिम बैंक ने श्रीलंका को यहाँ पर लोन प्रोवाइड किया था, कितना? $209 मिलियन का, और जिसके बाद इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को रेडी किया गया. अब श्रीलंका की गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि हम लीज बेसिस पे इंडिया और रशिया की दो कंपनीज हैं उनको देंगे इस एयरपोर्ट को मैनेज करने के लिए. तो अगर आप बात करेंगे इंडिया से, तो इंडिया की है आपकी सौर एरोनॉटिक्स प्राइवेट लिमिटेड और यहाँ पे रीजनल मैनेजमेंट कंपनी ऑफ रशिया. इन दोनों कंपनीज को 30 इयर्स के लिए लीज पे श्रीलंका के गवर्नमेंट ने एयरपोर्ट को दिया है फॉर मैनेजमेंट. डन. चलिए, नेक्स्ट है इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी इनवाइट्स इंडिया टू जीएम समिट मीटिंग, G7 समिट मीटिंग इन June 2024. तो G7 जो कि ग्रुप ऑफ सेवन कंट्रीज कहलाता है, तो G7 की इस साल की जो प्रेसिडेंसी है वो इटली के पास है, इसलिए यहाँ पर बोला है कि जब भारत में जनरल इलेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे और उसके बाद जो भी प्राइम मिनिस्टर होंगे उनको हम इनवाइट करते हैं हमारी G7 समिट में. इसके पहले आप देखेंगे कई सारे हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं जो ऑलरेडी G7 समिट में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी 2003 में गए थे और इन्होंने G7 समिट को फ्रांस में अटेंड किया था. उसके अलावा डॉक्टर मनमोहन सिंह या प्रधानमंत्री जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी रह चुके हैं, उन्होंने भी 5 times इस मीटिंग को अटेंड किया है. इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी अभी तक 4 times G7 समिट को अटेंड कर चुके हैं 2019, 2021, 2022 और 2023 में, और यहाँ भी फिर से इंडिया को इन्वाइट किया गया है बाय द इटली. अब G7 ग्रुप के बारे में अगर आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको यहाँ पे मिल जाएगी कि कब फॉर्म हुआ, कब किस कंट्री ने ज्वाइन किया, कब किस कंट्री ने एग्जिट किया. बिकॉज पहले ये G6 था, फिर G7 हुआ, फिर G8 हुआ, फिर रशिया ने विथड्रॉ कर लिया और फिर वापस से ये आपको G7 देखने को मिल जाएगा.
नेक्स्ट है टाइगर कंजर्वेशन कॉलिजन। यहाँ पे भूटान गवर्नमेंट ने रिसेंटली ऑर्गेनाइज की थी एक कॉन्फ्रेंस ऑन अर्थ डे, जिसका नाम है सस्टेनेबल फाइनेंस फॉर टाइगर लैंडस्केप कॉन्फ्रेंस। तो एशिया में जो भी टाइगर की कम्युनिटी है या टाइगर्स जो रहते हैं उनके एरियाज को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें एक फंड की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे भूटान गवर्नमेंट और टाइगर कंजर्वेशन कॉलिजन ने इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया है, जिनका टारगेट है कि हम $1 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे इन 10 ईयर्स टू प्रोटेक्ट द टाइगर एंड देयर हैबिटेट इन एशिया। नेक्स्ट है दुबई। दुबई का अल मकतून, दुबई का अल मकतून इंटरनेशनल एयरपोर्ट वर्ल्ड का लार्जेस्ट एयरपोर्ट बनने जा रहा है, क्योंकि दुबई की जो रूलर है शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतून, इन्होंने रिसेंटली एक नया टर्मिनल बनाने के लिए अप्रूवल दिया है और 128 बिलियन दिरहम या फिर $34.85 बिलियन यहाँ पर दिए हैं। अब यहाँ पर एक नया टर्मिनल तैयार किया जाएगा, जिसके बाद जो अल मकतून इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट एयरपोर्ट बन जाएगा, जिसकी टोटल कैपेसिटी 260 मिलियन पैसेंजर्स को हैंडल करने की होगी, जिसमें आपको 400 टर्मिनल गेट एंड 5 रनवेज देखने को मिलने वाले हैं। नेक्स्ट है यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट ने रिसेंटली एक बिल पास किया है टू सेंड रिफ्यूजीज टू रवांडा। एक्चुअली लगातार क्या होता है, रवांडा से जो रिफ्यूजीज हैं वो यूके में आ जाते हैं और सेटल हो जाते हैं और फिर असाइलम की डिमांड करते हैं। तो काफ़ी सारे जो रवांडा के लोग हैं उनको ऑलरेडी असाइलम दे के रखा है यूनाइटेड किंगडम ने, लेकिन अब इन्होंने कहा है कि हमें ये जो प्रैक्टिस है इसको थोड़ा सा डिस्करेज करने की ज़रूरत है। तो इसलिए कहा गया है कि जो असाइलम सीकर हैं उनको वापस रवांडा भेज दिया जाएगा, और इसलिए यूनाइटेड किंगडम के पार्लियामेंट ने यहां पर इस बिल को पास किया है। लास्ट में कुछ शॉर्ट न्यूज है, जैसे कि पेरू। पेरू ने यहां पे डेंगू के केसेस बढ़ने के कारण हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर की थी, ठीक है। इंडिया हैज रिमूव्ड एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन ऑन एसेंशियल कम्युनिटी फॉर द मालदीव्स। तो मालदीव्स में जो हम एसेंशियल कम्युनिटीज रिलीज करते हैं, भेजते हैं, जैसे कि एग्स है, पोटैटोज, अनियन, राइस वगैरह, वो हटा दिया है। Microsoft has warned that China is gearing up to disturb the upcoming election in India and the USA and the South Korea by using artificial intelligence generated content, मतलब deep fake का इस्तेमाल करके China जो है हो सकता है आने वाले समय में India, USA और South Korea के जो elections से उनको disturb करने की कोशिश करें। इसकी वजह कि इंडोनेशिया में एक volcano है जिसका नाम है माउंट रुआंग और रिसेंटली इसमें eruption देखा गया। डन इतनी चीज़ें। तो ये थे आज के हमारे सारे के सारे इंपॉर्टेंट इवेंट जो स्टेट इवेंट्स हुए हैं, इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट एंड इंटरनेशनल न्यूज़ थे अप्रैल मंथ में। इसके अलावा अगर आप नए बैचेस की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं आपकी रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए, तो आप ऑलिवुड के एप्लीकेशन पर ज़रूर विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक्सक्लूसिव ऑफर भी मिल जाएंगे और जो नए बैचेस हैं, ये अपकमिंग बैचेस हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। ये मंथली कंपाइलेशन उन लोगों के लिए है जिनके पास समय कम होता है या फिर जो किसी जॉब में है और RBI या बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि आप जल्दी जल्दी करेंट अफेयर्स को रिवाइज कर पाएँ, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।